गाइस, वेलकम टू टीनूज किचन। आज मैं लेके आया हूँ दही के कबाब। दिख रहे हैं ना, यमी मिंट सॉस के साथ, क्रीम ऑनियंस साथ में, तुशी। बहुत सिंपल रेसिपी, दही के कबाब हैंग कर्ड के साथ बनते हैं। बहुत सिंपल है, आप ज़रूर बनाना, ट्राई करना ज़रूर, और मेरे को बताना कैसे बन रहे हैं। प्योर वेजिटेरियंस वेजिटेरियंस विल लव इट। बहुत अच्छे, बहुत यमी। तो आए देखते हैं अपन इसकी रेसिपी, ठीक है? चलो फिर किचन में चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए दही कबाब बनाने के लिए। ये मैंने दही ले लिया, जो हंग कर्ड जिसे कहते हैं। सी क्या पोजीशन में, एकदम ये एकदम गिर नहीं रहा, एकदम मतलब लिक्विडी नहीं फॉर्म में। ऑलमोस्ट पूरी रात इसको मैंने हंग कर्ड कर दिया, लटका के रख दिया कपड़े में डाल के, और बिल्कुल पानी इसका निकल गया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये लगभग आधा किलो दही था, जो अब पूरा हंग करने के बाद नियर अबाउट से 300 350 ग्राम के आसपास आ गया, बाकी पानी निकल गया। फिर इसमें जो अगली चीज़ ले रहा हूँ वो है चीज़, मोजरेला चीज़। ये चॉइस पे है, बट बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत स्वाद लगेगा आपको। और उसके साथ मैंने इसमें लिया है नियर अबाउट से 200 ग्राम के आसपास पनीर, मैश किया हुआ मलाई पनीर, ठीक है? फिर मैंने लिया नियर अबाउट से 4 चम्मच चना, रोस्टेड, आप जैसे कहते हैं चना पाउडर, रोस्ट कर लिया उसको अच्छे से, ताकि उसमें कच्चापना नहीं आए। लोग इसमें कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करते हैं, बट आई सजेस्ट कॉर्नफ्लावर यूज़ ना करें। फ्लेवर उसका बाद में एक मुँह में स्वाद अलग आ ही जाता है। तो अपन धीरे धीरे शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता जाता हूँ, बहुत ही यमी ये बनेगा। पहले तो मैं आप इसमें अपना पनीर ऐड कर लेता हूँ। सी कितना पनीर बढ़िया क्वालिटी का है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ अपना चीज़, ग्रेट कर लिया मैंने, ग्रेट कर लिया। ध्यान रखें ग्रेट जरूर करें, नहीं तो लम्स वैसे तो पिघल जाता है, बट फिर भी हमें कुछ भी, जब स्मूथ बना रहे हैं दही के कबाब हैं तो स्मूथनेस तो चाहिए। ये मेरा 4 चम्मच चना रोस्ट मैं धीरे धीरे कर लूँगा इसमें, ठीक है? फिर आ जाओ जी आप इसमें चॉप्ड जिंजर, चॉइस पे है बट डालोगे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। नियर अबाउट से बहुत ही छोटा एक टुकड़ा, आप अपनी चॉइस से डाल सकते हो जैसा प्रेफर करो। फिर रफली चॉप्ड आपका धनिया, धनिया बहुत ज़रूरी चीज़ है, धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसके अंदर, धनिया, ठीक है? फिर वहीं पे आ जाओ आप, काली मिर्ची एज़ पर योर टेस्ट, कोई कम ज़्यादा बट थोड़ा काली मिर्ची चलेगा ज़रूरी। फिर एक बहुत अच्छा फ्लेवर कसूरी मेथी, भुनी हुई कसूरी मेथी, कसूरी मेथी यानी वो लेने पैकेट में, कभी कभार भुनी हुई नहीं होती। अब उसे हल्का सा तवे पे हल्की रोस्ट कर लो, बहुत अच्छा इसमें खुशबू भी आएगी और ये देखो ऐसे पाउडरी बन जाएगा, जस्ट क्रश करोगे आप पाउडर से बन जाएगा। फिर चाट मसाला, यानी बहुत से आधा चम्मच चाट मसाला है और किशमिश, एक अलग ही लेवल का टेस्ट दे देगा चाट मसाला इसमें आपको, किशमिश, ठीक है? फिर मेरे पास यहाँ पर है ये देखिए ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने ऐसे फ्लैट ले लिया, जो अभी रोल करने के लिए और बाइंड करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें बाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 1-2 चम्मच इसमें भी वो यूज़ करूँगा। अब मैं इसको आराम से सारा चला लेता हूँ, पहले मिक्स कर लेता हूँ। सी फ्रेंड्स, ऑल सब कुछ मैंने इसमें मिला दिया है। हल्का सा काला नमक ज़रूर इसमें डालें, नमक का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला यूज़ किया है, तो नमक आप बिल्कुल अपना सोच समझ के डालें। वाइट सॉल्ट और काला नमक, काला नमक ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, ठीक है? ठीक, मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच कॉर्न या अपना ब्रेड क्रम्स मिलाए हैं। आपको लगे कि आपका दही कहीं ढीला पड़ा या कुछ ढीला पड़ा तो आप इसमें आप यूज़ कर सकते हो। मैं स्पून के मदद से ऑन द एवरेज, पहले मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि मैं अपना इसको बॉल के तरीके से एक निकाल लूँ, शेप जैसा आप चाहें। आप हाथ से कंफर्टेबल हो आप हाथ से कर सकते हो, मैं स्पून से कर रहा हूँ। और ऐसे मैं इसमें रोल करके इसमें डालते जाऊँगा, फ्लैट टिक्की स्टाइल में मैं बनाऊँगा इसको। आराम से इसको कर लिया, ये सारे मैं इसमें कॉर्न इसमें डाल रहा हूँ। आप इसमें चाहो तो फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो, कॉर्न फ्लेक्स, बट इसका स्वाद इसमें ज़्यादा अच्छा आएगा।
बॉल से एक हल्की सी शेप दे दें, शेप वहाँ पे जाके हम दे सकते हैं फादर। और वहीं पे मैंने गैस पे, आप चाहो तो इसे डीप फ्राई कर सकते हो, मैं इसको शैलो फ्राई कर रहा हूँ, सेमी फ्राई, तो आप चाहो इसे डीप फ्राई कर लो एज़ पर योर नीड, एज़ पर योर टेस्ट। मैंने कुकिंग ऑयल में लिया है सरसों का तेल, आई वॉन्ट रिकमेंड, मैं कहूँगा कि सरसों का तेल ना यूज़ करें इसमें, आप पीनट ऑयल या सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों का ऑयल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से ऐसे डाल दें, हल्का सा हाथ से रोल कर लिया ताकि अब इसको इजीली मैं शेप दे पाऊँगा और देखिए मेरे हाथ पे चिपक भी नहीं रहे। आराम से ऐसे मैंने बॉल लेके ऐसे, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस साइज़ में रखना चाहते हो। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यार से बनाना। टीनोस किचन की एक खासियत है कि हर चीज़ आपके सामने लाइव है, जो जैसा बन रहा है कुछ भी इसमें कटेडेड एडिटेड नहीं है। और मैं आज बहुत दिनों बाद एक नई रेसिपी लेके आऊँ आपके लिए, बहुत हेल्दी स्नैक, बहुत ही यमी है, ज़रूर ट्राई करना। लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, दही के कबाब पता नहीं कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, सी इजी है, थोड़ी सी रफ़ टेक्निक्स हैं। सी मेरे ऐसे कबाब सारे रेडी हो रहे हैं, ऐसे मैं सारे करता जाऊंगा और इसे अच्छे से रोल करके लगाता जाऊंगा। सी फ्रेंड्स, ये मेरे कबाब तैयार हो गए हैं, साइज़ अपने हिसाब से रखें जैसा आप खाते हैं। मैंने रख के इसको 5 मिनट आप फ्रिज में रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और अपना शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई करें। ऑयल मैंने फिर आपको बता दिया, सरसों का छोड़ के आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। और याद रखें इसको हमने बहुत टाइम नहीं देना, जल्दी जल्दी बनना है, सब कुछ इसमें रेडी है, दही है, बहुत डेलीकेटली यूज़ करना है, थोड़ा सा इसमें बस आ जाए तेल, ना ठंडा होना चाहिए ना बहुत एक्सट्रीम गर्म। चेक करते हैं एक बार, हमारे कबाब आर गेटिंग रेडी। बहुत जल्दी कलर आ जाएगा इसमें, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। बहुत ही जेंटली देखिए फ्लिप कर रहा हूँ, कितना जल्दी इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। फ्रिज में रखने में ये होगा कि अगर बाई चांस अगर टूटने के चांसेस नहीं होते, अब इसमें एटलीस्ट फ्रिज में ना भी रखें तो एटलीस्ट 15-20 मिनट बाहर रखे रहने दें। हल्का देखिए गोल्डन, कितनी जल्दी कलर आ गया इसमें, इस तरीके से हमें निकाल देना है, वेट टॉवल में निकाल लें या टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि सारा तेल पूरा बाहर आ जाए। मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं जल्दी जल्दी फ्लिप कर रहा हूँ, बट आप कोशिश करें कि बिल्कुल उसे डेलीकेटली यूज़ करें। सी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट तैयार, मैंने तल लिए हैं, गार्निशिंग कर ली है, ठीक है, आप मिंट सॉस के साथ, यहाँ पे मैंने साथ में क्रीम ऑनियंस लिए हैं, आप क्रीम ऑनियन के साथ, कुछ तुशी है आप तुशी के साथ, जैसे चाहे वैसे आप इंजॉय कर सकते हैं, पिकल्स अपने हिसाब से, टमाटो सॉस एज़ पर योर लाइकिंग्स। आप इसे रेसिपी ज़रूर बनाना और डू लेट मी नो कि कैसी बनी, और बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, घर पे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। जब तक अगली डिश मैं लेके आता हूँ आपके लिए कुछ, जब तक बी सेफ, कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है, अपना ध्यान रखो, हैप्पी कुकिंग, बाय गाइस।